वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, इसराइल ने अल जजीरा के ऑफिस में पहले रेड किया और वहां बोला कि भाई आप लोगों के पास जो भी कैमराज है या फिर आप लोगों का जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप ये सब उठाइए और चलिए यहां से चलिए, क्योंकि हम लोग जो ये ऑफिस है इसको सील करने वाले हैं और हम लोगों के पास इसराइल का जो कोर्ट है उनका ऑर्डर भी है। तो ये सुनने के बाद अल जजीरा का तरफ से बहुत प्रोटेस्ट किया गया। ऑन द अदर साइड ये पूरा जो इंसिडेंट था ये अल जजीरा के तरफ से लाइव किया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अल जजीरा के ऑफिस में इसराइल के जो ऑफिशियल्स थे वो गए, वो अपने तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किया जो अल जजीरा के हेड थे वहाँ का, और उनको बोला कि हम लोगों के पास कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए आपको आपका जो कैमरा है या फिर जो भी है आपका जो सामान है वो यहाँ से उठाइए और 45 डेज के लिए ये जो ऑफिस है ये कम्प्लीटली हम लोग सील कर दें। और ये सारा कुछ वहाँ ब्रॉडकास्ट किया गया, मगर उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसराइल ने अपने तरफ से स्टेप लिया और अल जजीरा का जो ऑफिस है वेस्ट बैंक में उसको सील कर दिया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें, हम लोग को पता है कि इससे पहले भी इसराइल ने अपने तरफ से अल जजीरा के अगेंस्ट में एक्शन लिया था। जब अल जजीरा का ऑफिस था इसराइल में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको भी इसराइल ने बंद कर दिया था। ऑन द अदर साइड गाज़ा में जब था उस टाइम में भी इसराइल ने अपने तरफ से स्टेप लिया और ये बंद कर दिया। तो एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीज़न है, अल जजीरा को क्यों इसराइल टारगेट कर रहा है, या फिर अल जजीरा का जो ऑफिस है, हम लोग को सबको पता है कि ये एक मीडिया आउटलेट है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कोई भी मीडिया आउटलेट के ऊपर इस तरह से कोई भी स्टेप नहीं लेता है। ऑन द अदर साइड इसराइल के गवर्नमेंट के तरफ से उन लोगों का पार्लियामेंट से भी ये ऑर्डर है कि अगर वो लोग चाहे तो कुछ क्राइटेरिया है वो अगर उन लोगों को लगता है अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग कोई भी फॉरेन मीडिया आउटलेट को बंद कर सकते हैं अपने कंट्री में। तो चलिए पता करते हैं एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें इसराइल जो है अपना जो टारगेट है वो हमास से कन्वर्ट किया है हिजबुल्ला के ऊपर। प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि इसराइल का बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा है हिजबुल्ला के ऊपर। ऑन द अदर साइड हमास जो पहले बहुत एक्टिव हुआ करता था, आज के डेट में हमास के जो लीडर्स थे वो लोग गाजा छोड़ के चले गए, कुछ थोड़ा बहुत बचा है मगर वो लोग भी जो लड़ रहे उतना कुछ अच्छा सा कोई टफ फाइट नहीं दे पा रहे इसराइल को। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली जो हिजबुल्ला के साथ इसराइल का चल रहा है, कुछ दिन पहले ही लेबनान के कैपिटल बेहरूत में इसराइल ने अटैक किया और वहाँ जो हिजबुल्ला के लीडर्स थे उन लोगों को मारा गया। उससे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका जो वॉकी टॉकी अटैक था उससे पहले भी हम लोग अगर देखें जो पेजर अटैक था, तो ऐसे चलता ही रहता है। ऑन द अदर साइड हिजबुल्ला भी अपने तरफ से इसराइल के ऊपर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेप ले रहा है, मगर वो स्टेप उतना कार्यकर नहीं हो रहा है कम्पेयर टू जो इसराइल ले रहा है। तो हम लोग का जो मेन मुद्दा था कि भाई इसराइल को क्या हो गया अचानक से जो इतना वो एंटी अल जजीरा हो गया और ये सब स्टेप ले रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए अक्टूबर 7, 2023 को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम में इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था और ये जो अटैक किया था ये हमास की तरफ से किया गया था, यही हम लोग को पता है। ऑन द अदर साइड इसराइल अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूफ पेश किया है जिसमें ये क्लियर है कि ये जो अटैक किया गया था जो हमास के जो कमांडर थे या फिर हमास के जो मिलिटेंट्स थे उनमें से बहुत कोई था जो अल जजीरा के रिपोर्टर थे। उस टाइम में एक फेस बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था जिसमें कहा जाता था कि जर्नलिस्ट बाय डे और टेररिस्ट बाय नाइट, और इसराइल ने अपने तरफ से अल जजीरा के अगेंस्ट भी ये सारा प्रूफ जो है ऑलरेडी मैंने पब्लिक कर दिया है बहुत पहले। तो तब से शुरू हुआ है कि इसराइल का ये अल जजीरा के अगेंस्ट में ये सारा स्टेप, पहले जो इसराइल के जो अल जजीरा के ऑफिस थे वो बंद किया गया, उसके बाद गाज़ा में किया गया, और अभी अब देखें तो अब वेस्ट बैंक में भी इसराइल ने अपने तरफ से अल जजीरा को कम्प्लीटली बैन कर दिया कि भाई आप लोग यहाँ 45 डेज के अंदर आप लोग ये ऑफिस खोल नहीं सकता। प्रेजेंटली जो कंडीशन है उसमें लगता नहीं कि भाई 45 डेज के बाद इसराइल परमिट करेगा अल जजीरा को फिर से। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो अल जजीरा को डिफरेंट कंट्री ने डिफरेंट टाइम में ब्लॉक करके रखा है, UAE, सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, चाइना, और एक टाइम में भारत ने भी तो अल जजीरा को अपने तरफ से ब्लॉक किया था, फिर कुछ दिन बाद इंडिया ने खोल दिया। तो इतना सारा जो मुस्लिम कंट्रीज है ये लोग अचानक से अल जजीरा को ब्लॉक क्यों किए, ये अगर जानना है तो हम लोग को अल जजीरा के जो पास्ट है या फिर अल जजीरा का जो प्रेजेंटली अल जजीरा कैसे रन कर रहे वो जानना पड़ेगा। अगर हम लोग अल जजीरा को देखें तो हम लोग को पता है कि अल जजीरा जो है वो एक कतार से फंडेड होता है, मतलब कतार का जो रॉयल फैमिली है साथ ही साथ कतार का जो गवर्नमेंट है वो अल जजीरा को फंडिंग करता है, जिसके वजह से अल जजीरा जो ये न्यूज़ नेटवर्क है ये रन करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। इसमें बहुत सारा कंट्री पहले से अल जजीरा को ब्लॉक करके रखा है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इसराइल ने ये जो आउटलेट था आपका ये भी बंद कर दिया ये मीडिया आउटलेट को। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इन फ्यूचर में भी बहुत सारा कंट्रीज है जो अल जजीरा के काम से खुश नहीं है, क्योंकि इसराइल के रैडर में अल जजीरा बहुत पहले से ही था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें दुनिया में डिफरेंट जो कंट्रीज है वो लोग का कहना है कि भाई अल जजीरा जो काम करता है उसमें कोई न्यूट्रलिटी या फिर
कोई एग्जैक्टली लोग ऑनेस्टी के साथ ये काम नहीं करते, ये थोड़ा सा बायस्ड काम करते हैं। और ये बायसनेस किसके तरफ है? ये बायसनेस है हमास के तरफ, ये बायसनेस है आपका हिजबुल्ला के तरफ। ऑन द अदर साइड अल जजीरा हमेशा क्या करता है, हमेशा तीन चीज़ों का सहारा लेता है। एक है आपका फ्री स्पीच, दूसरा है आपका डेमोक्रेसी, और तीसरा है आपका ह्यूमन राइट्स। अगर ये सारे फैक्टर को अल जजीरा इतना अच्छी तरह मानता तो अभी अल जजीरा का जो प्रेजेंट कंडीशन था इतना सारा कंट्रीज़ में बैन ये नहीं होता। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अल जजीरा का जो मदर कंट्री है मतलब कतार, वहाँ ये सारा जो पॉइंट्स है मतलब अगर आप फ्री स्पीच को देख लीजिए या फिर डेमोक्रेसी को देख लीजिए या फिर ह्यूमन राइट्स को देख लीजिए, कुछ भी माना नहीं जाता। वहाँ का जो प्रिंस है वो जब चाहे पार्लियामेंट को बंद कर देता है, जब चाहे वो पार्लियामेंट को खोल देता है, जब चाहे वो इलेक्शन करवाता है, जिसको चाहे वो जिताता है, जिसको चाहे वो अपने तरफ से बोल देता है कि भाई आज जो है हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। ऑन द अदर साइड कोई भी कंट्री का कुछ भी पद में है वो कोई वैलिड नहीं होता। तो अगर देखा जाए अल जजीरा कभी इस सारे चीज़ को लेकर कभी हाईलाइटेड नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी उन लोगों से फंडेड है। अब घर का बच्चा तो घर के बारे में नहीं बोलेगा, वो दूसरों के बच्चे के बारे में बोलेगा कि उसने ये किया वो किया, और वही फंडा जो है अल जजीरा के साथ इतना साल से दूसरा जो कंट्री है वो देखते आ रहे। इसलिए अगर देखा जाए तो मुस्लिम पेनिनसुला में बहुत सारा कंट्रीज़ है जो अल जजीरा को बैन करके रखा है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली इसराइल ने अपने तरफ से ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दिया है जिसमें यह प्रूफ हो गया कि भाई इसराइल में जो अटैक हुआ था हमास के द्वारा उसमें अल जजीरा भी इन्वॉल्व था। और डिफरेंट टाइम में अगर अल जजीरा को देखा जाए तो बहुत सारा कंट्री का कहना है कि वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड और प्रोपोगंडा फैलाने का जो काम है ये दोनों काम ही अल जजीरा के तरफ से किया जाता है। एक टाइम में अगर देखें ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये एंटी इंडिया होके ये बहुत सारा कोशिश किया था इंडिया में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम में उतना कुछ इन लोगों को सक्सेस होने नहीं दिया। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर देखा जाए अल जजीरा दुनिया में और भी कंट्रीज़ में ऐसा ही स्टेप ले रहा है जिसके वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ ऑलरेडी उन लोग को बैन कर दिया है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में और भी जो कंट्रीज़ है वो लोग को कम्प्लीटली बैन कर दे। तो होपफुली आगे जाके अल जजीरा का जो ये ऑफिस है ये इतना जल्दी फिर से रीओपन होने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड अल जजीरा की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसको लेकर अल जजीरा अपने जो नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोले, इसराइल के खिलाफ बोले, जैसे वो लोग बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसराइल का सब जितना भी स्टेप है वो सब कुछ सही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए एक मीडिया जो आउटलेट है उसको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, हमेशा जो दिखता है एग्जैक्टली वही बोलना चाहिए। ऑन द अदर साइड लोगों को कभी भी अपना कंट्री का कुछ हाइट करके दूसरा के कंट्री के बारे में उंगली उठाना नहीं चाहिए। तो ये सारा जो एथिक्स है ऑब्वियसली अल जजीरा हमेशा ये फॉलो नहीं करता है जिसके वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में अल जजीरा को ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU SPACE POL को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक्स में बहुत सारा वीडियो मैं बना के रखा हुआ, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या पसंद है देखना वो उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर जो है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।